यूट्यूब चैनल द नी फाउंडेशन पर। तो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा वो डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज चल रही है, जो कि हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं काफ़ी मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 10 है, ठीक है। ये कूलिंग सिस्टम और लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इस पर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे जो कि डीजल मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के नेमी क्वेश्चन आधारित हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह के और भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम यूज्ड फिन्स ऑन द सिलेंडर हेड। किस प्रकार के शीतलन प्रणाली में सिलेंडर हेड पर फिन्स का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज एयर कूलिंग, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच पार्ट हेल्प्स टू डिसिपेट द हीट इन द एयर कूलिंग इंजन? तो क्या होगा इसमें? होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या होगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, सिलेंडर एंड हेड फिन्स, ओके। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम रेट ऑफ कूलिंग इज़ वेरी लो। किस प्रकार के शीतलन प्रणाली के शीतलन की दर बहुत कम है? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। थर्मोसिफॉन सिस्टम, थर्मोसिफॉन सिस्टम जो है, ये मैं प्रॉपर इसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है, थर्मोसिफॉन सिस्टम का, ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच पार्ट इज़ फोर्स टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच पार्ट इज़ फोर्स टू सर्कुलेट द वाटर इन फोर्स फीड इंजन कूलिंग सिस्टम? तो ऑप्शन है आपके पास पंप, थर्मोस्टेट या डेंसिटी ऑफ वाटर या वाटर जैकेट। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ओके, पंप इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच पार्ट प्रिवेंट लीकेज ऑफ वाटर इन द वाटर पंप? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा सील, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द वाटर इन कूलिंग सिस्टम, शीतलन प्रणाली में पानी कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? रेडिएटर लोअर टैंक, रेडिएटर जो होता है उसके लोअर टैंक में ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द थर्मोस्टेट वॉल्व फिटेड इन प्रेशराइज्ड कूलिंग सिस्टम? तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, वाटर आउटलेट ऑफ सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड के वाटर आउटलेट पर। अब आपको ये बताया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि इसमें एक्स वाले भाग को क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा? रेडिएटर कैप कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन रेडिएटर कैप। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, अब आपको ये जो दिया गया है इस पार्ट में, ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? ये जो एक्स के रूप में डिनोटेड है इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा इसको? ऑप्शन है आपके पास वाटर पंप पुले, वाटर पंप इम्पेलर या वाटर पंप हाउसिंग या वाटर पंप शाफ्ट। क्या होगा इसको? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वाटर पंप इम्पेलर, ओके, वाटर पंप इम्पेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द असेंबली मार्क एस एक्स? ये असेंबली जो दी गई है उसमें एक्स के रूप में जिसको दर्शाया गया है इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास वाटर पंप, हाइड्रोलिक पंप, फ्यूल पंप, ऑयल पंप। क्या होगा इसका राइट आंसर? होगा इस ऑयल पंप, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन नंबर है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? ऑयल पंप स्टेनर, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑयल पंप स्टेनर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स?
एक्स के रूप में जो डिनोट किया गया है ये वाले भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, वाटर फिल्टर या फ्यूल फिल्टर? तो ऑयल फिल्टर इसका नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो क्या होती है, ऑयल विस्कोसिटी शुड बी सूटेड द ऑपरेटिंग कंडीशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। विच लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड सेपरेट ऑयल टैंक? तो ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन जो होता है उसको सेपरेट ऑयल टैंक होता है। ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम भी करा चुका हूँ और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन भी करा चुका हूँ। टेक्निकल टेक वीडियो में, टेक नॉलेज में एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, इसी चैनल पर टेक नॉलेज नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाकर देखिएगा। लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन, ठीक है, वेट सम्प लुब्रिकेशन, स्प्लैश और ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, मैं इसके वीडियो डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं, टॉपिक वाइज ही डाल दिया है मैंने, ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। चलिए इसका राइट आंसर होगा डी, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन? टू स्ट्रोक इंजन में किस प्रकार की स्नेहन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो क्या होता है, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। ओके, 16th, विच पार्ट ऑफ द इंजन मार्क एज एक्स? क्या होगा, ये जो इंजन दिया गया है इस इंजन में ये वाले भाग को क्या कहा जाएगा, ये वाले भाग को? तो क्या कहा जाएगा, ऑयल पंप कहा जाएगा, ठीक है, ऑयल पंप, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 17th, विच पार्ट ड्राइव ऑयल पंप? तो कौन सा पार्ट जो है ऑयल पंप को ड्राइव करता है? तो कैमशाफ्ट, ठीक है, कैमशाफ्ट करता है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 17th का कैमशाफ्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द क्रैंकशाफ्ट फ्लोज ऑयल टू द क्रैंक पिन? ठीक है, क्रैंकशाफ्ट का कौन सा हिस्सा क्रैंक पिन में प्रवाहित होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें क्रैंकशाफ्ट मैन जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस सक्स ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प? ऑयल सम्प से ऑयल कौन सक करता है, कौन करता है, पंप। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन नंबर है, वेयर द मेटल फिन्स आर प्रोवाइड इन द एयर कूल्ड इंजन? एयर कूल्ड इंजन में मेटल फिन्स कहाँ प्रोवाइडेड होती हैं, कहाँ होती हैं, सिलेंडर एंड सिलेंडर हेड पर। ओके, सिलेंडर एंड हेड पर। हाउ द वाटर सर्कुलेशन इज ऑब्टेन इन थर्मोसिफोन सिस्टम? कहाँ होता है, बाय डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ हॉट एंड कोल्ड वाटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द वाटर लेवल फॉलिंग डाउन इन द थर्मोसिफोन सिस्टम? ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, थर्मोसिफोन सिस्टम, मैं इसको टैग वीडियो में आप जाकर देखिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है टैग नॉलेज करके, उस पर आप जाएंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाउ द वाटर पंप गेट ड्राइव द पंप सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम? क्या होगा इसका राइट आंसर, बाय बेल्ट। ठीक है, 24 क्वेश्चन नंबर है, विच कंडीशन द थर्मोस्टेट वाल्व ओपन? थर्मोस्टेट वाल्व ओपन किस स्थिति में खुलता है? तो ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ इंजन। 25 क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो राइट आंसर इज, ऑप्शन है आपके पास, विच इज़ रिलेटेड टू रेडिएटर रिमूविंग प्रोसीजर? तो टॉप अप वाटर इन रेडिएटर, डिसकनेक्ट द ऑल कनेक्शन विद रेडिएटर, कनेक्ट द टॉप वाटर हॉस या कनेक्ट द बॉटम वाटर हॉस। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आपको ये दिखाया गया है, ये कौन सी क्लीनिंग मेथड है, तो कौन सी क्लीनिंग मेथड है, ये रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 27 क्वेश्चन नंबर है, विच मेथड इज़ यूज्ड इन रेडिएटर रिवर्स फ्लशिंग क्लीनिंग? ठीक है, तो कौन सा होता है इसमें, कौन सा मेथड यूज होता है, फ्लशिंग वाटर विथ एयर गन प्रेशर। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा,
वेयर इज़ द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन, ऑयल कूलर कहाँ फिटेड होते हैं इंजन में, कहाँ होते हैं इंजन ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इंजन ब्लॉक में। ठीक है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का मेन पर्पस क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए मिनिमाइज द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए। 30 क्वेश्चन नंबर है, विच इज़ रिलेटेड टू लुब्रिकेशन सिस्टम, स्नेहन प्रणाली किससे संबंधित है, तो किससे है, मिनिमाइज द वेयर एंड टीयर ऑफ द मूविंग पार्ट्स। ओके, विच मेथड यूज टू डिस्केल द वाटर पैसेज इन द इंजन ब्लॉक, तो क्या होगा, बाय इंजेक्टिंग वाटर सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हाउ टू चेक द डैमेज रेडिएटर कोर ट्यूब्स, कैसे चेक किया जाएगा क्षतिग्रस्त रेडिएटर कोर ट्यूब को, तो चेक विजुअली। ओके चलिए, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन थे कुछ, और ये मॉड्यूल 10 के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जिसमें कि कूलिंग और लुब्रिकेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हमने सेपरेटली इसको पढ़ा हुआ है आज। ठीक है, ठीक है, तो चैनल पर यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।